हेलो स्टूडेंट, आज हम ओस्मो रेगुलेशन का कंट्रोल कैसे होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ओस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। ओस्मो रेगुलेशन हमने एक सिंपल सा प्रोसेस बताया था जो कि रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन को, कंपोजिशन को और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड है, ठीक है। उसमें हमने ये भी देखा था कि जो दोनों साइड जो होती हैं, इनसाइड और आउटसाइड जो है ऑर्गेनिज्म की, उसके बीच में एक ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो बना देता है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन है और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जिसमें हमने ओस्मो रेगुलेशन हमने बताया कि ये एक प्रोसेस होता है जो मेंटेन करता है सॉल्ट और वाटर बैलेंस को, ठीक है। हमें पता है बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ पर मेम्ब्रेन है, सरफेस पर है, जहाँ पर क्या है एक्सचेंज होता है, जहाँ से मूवमेंट होती है इनसाइड और आउटसाइड, चाहे वो वाटर की हो चाहे वो सॉल्ट की हो। इनसाइड में जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड कुछ सेल्स के चारों तरफ है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, सेल के अंदर फ्लूइड है, साइटोसोल है, इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, उनको हमने देखा था उनकी जो कंपोजिशन होती है वो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना होता है। कोई भी बॉडी जो है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो वहां पर क्या होता है, लगातार कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है सिस्टम में होता रहता है। अगर वाटर एक्सेस में हो जाता है या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वेस्ट है, तो वो क्या है किडनी तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। अगर इनसफिशिएंट फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर या इनटेक जो है वो कम है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी का जो सिस्टम है वो किडनी मेन रोल जो है वो किडनी प्ले कर रही है, वो उस फ्लूइड को, क्योंकि इनटेक कम है तो वो जो बॉडी के अंदर का फ्लूइड है उसको कंजर्व करने में हेल्प करती है। विदाउट ए मैकेनिज्म टू रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अगर ऐसा मैकेनिज्म ना हो तो बॉडी के अंदर जो है वाटर की, साल्ट की कोई कंसंट्रेशन जो है वो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कितना पानी होना चाहिए, कितनी साल्ट होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप देखते हो कोई डिजीज हो जाती है जिसमें मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वर्किंग उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या होता है कि जो टॉक्सिक वेस्ट है, वाटर है, अगर वो एक्यूमुलेट होने लग जाए एक्सेस में, तो डाइल्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी की जो वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम है, वो बढ़ने शुरू हो जाएगी। अगर एक्सेसिव लॉस होने लग जाए वाटर का, जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी, वो सब जो है वो बहुत ही हार्मफुल जो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो लेकर आते हैं, उनके रिजल्ट जो होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो इसीलिए ओस्मो रेगुलेशन का कंट्रोल जो है वो नेसेसरी होता है। हमने देखा था पैसिवली डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस के द्वारा भी अपने आप वर्किंग होती है, लेकिन जो ओस्मो रेगुलेशन है वो एक होम्योस्टेटिस कंडीशन को मेंटेन करता रहता है कि वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो मैच करना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म के इनटेक से, कि वो कितना इनटेक ले रहा है और कितना नहीं ले रहा है। अब एक्सक्रीटरी प्रोसेस जो होता है वो वेरी कर जाता है कि वॉल्यूम कितनी है बॉडी की, फ्लूइड की वॉल्यूम कितनी है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूरिन का जो फॉर्मेशन होगी उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड देयर आउट और इनसाइड एनवायरनमेंट। और अगर उसमें आप देखेंगे जो फिशेज हैं जो फ्रेश वाटर में रह रही हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो वो क्या करते हैं कि वो डायल्यूट जो यूरिन है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायल्यूट यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस। वो एक्सेस जो वाटर है उससे अपने आप को गेट रिड टू एक्सेस ऑफ वाटर, जो कि गिल्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, लगातार फ्रेश वाटर के कंटेंट में आ रही है, तो
अपना सॉल्ट लॉस ना हो इस तरह से वर्क करते हैं। सी वाटर में जो फिशेज हैं वो क्या करती हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक जो यूरिन है वो डिस्चार्ज करते हैं, या वो अपने साल्ट को जो बाहर के अकॉर्डिंग के साल्ट को जो है वो मेंटेन करना है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंजर्व करते हैं वाटर को, सॉल्ट को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो वाटर लॉस को पैसिवली जो है कंट्रोल किया जाता है और साल्ट गेन को कंट्रोल किया जाता है। मोस्ट फिशेज जो होती हैं वो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के कारण होता है। ठीक है, फ्लूइड है, सॉल्यूट रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन, जो कि हमें पता है किडनी जो फंक्शन करती है उसमें हमने मैकेनिज्म में देखा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहता है, रीअब्सॉर्प्शन रहती है और फिर सिक्रीशन होता है। तो जो मैरीन स्पीसीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एक ग्लोमेरुलर किडनी होती है जो कि यूरिन प्रोड्यूस कर रही है ओनली एंड ओनली बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि उनके अंदर जो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो नहीं होती है। किडनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मोरेगुलेशन में, अमेजिंग रोल जो है वो किडनी का देखने को मिलता है कि वो कंट्रोल करती है कि फ्लूइड किस फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करना है, कितना रीअब्जॉर्ब करना है, उसकी डिपेंड करना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कैसे फंक्शन करना है, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है, कम करना है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है या कम करना है। तो ये सब जो है जितना भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है और वो अंडर कंट्रोल होता है हार्मोन से, एंटी डायबिटिक हार्मोन है, एल्डोस्टिरोन है, एंजियोटेंसिन है, इस तरह के डिफरेंट हार्मोन जो है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। तो हम सबसे पहले किडनी का एक जर्नल सा स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। हमें पता है किडनी में जो पार्ट्स रहते हैं वो बोम एंड कैप्सूल हैं, ग्लोमेरुलाइज हैं, और उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब और यू जो ट्यूब होती हैं, और फिर कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, लूप ऑफ हनली जिसको बोलते हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये सब मिलकर जो है किडनी जो है वो बनी है। और ये नेफ्रॉन जो होते हैं इनमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलर यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन है, इस तरह डिफरेंट पार्ट के फंक्शन जो है वो प्ले होते हैं। तो दो तरह की किडनी देखने को मिलती है फिशेज के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर, एक होती है एक ग्लोमेरुलर किडनी जो कि 40% अगर स्पीसीज को आप देखते हैं फिश की उनके अंदर मिलती है, जिसमें क्या होता है ग्लोमेरुलाई जो है वो ले एब्सेंट होते हैं, और इसको हम अब 0.1% मान सकते हैं टोटल फिश का, और जिसमें टॉड फिश है, गूस फिश है, एंगल फिश है, पाइप फिश है, शी हॉर्सेस हैं एक्सेट्रा, इनके अंदर एक ग्लोमेरुलर किडनी जो है देखने को मिलती है। और ये जो एक ग्लोमेरुलर किडनीज होती हैं उनमें डिस्टल ट्यूब्यूल जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है, और वो उसी जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर किडनी के जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से मैच करता है, और एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट जो है वो नहीं होता। अब वो नहीं होता है तो क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है वो उसके लिए क्रिटिकल रोल प्ले करता है डिस्टल ट्यूब्यूल जो है। एक ग्लोमेरुलर किडनी जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है कि कितना फ्लूइड है एकोमोडेट कर सकते हैं। रीनल जो एक्सक्रीशन होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लोड को, वो हमें पता है फ्लूइड में जितना वाटर का अब्सॉर्प्शन है या एक्सक्रीशन है वो अकंपनी बाय द लॉस ऑफ साल्ट, कि साल्ट और वाटर जो है आपस में कहीं ना कहीं आपस में मैच करते हैं। ठीक है, तो एक ग्लोमेरुलर फिशेज जो है उनका किडनी के कारण जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि वो सी वाटर या एस्चुराइन एनवायरनमेंट में ही रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में उनको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ फिशेज होती हैं उनके अंदर ग्लोमेरुलर किडनी प्रेजेंट होती है, और वो वही जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वही फर्स्ट स्टेप
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है जो कि ग्लोमरुलस में होता है, वोमेन कैप्सूल के अंदर रीअब्सॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, ये सारे प्रोसेस से होकर यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। और वो यूरिन की कंपोजिशन क्या रहेगी, कंसंट्रेशन क्या रहेगी, वो वेरी करती है इनटेक ऑफ या फ्लूइड की वॉल्यूम के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, किडनी कैसे जो है उसकी फंक्शनिंग जो है अंडर हार्मोनल कंट्रोल रहती है। किडनी जो है उसकी वर्किंग हमने बताया बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और वो मेंटेन करके रखती है ऑस्मोटिक बैलेंस को एंड ब्लड प्रेशर को, ठीक है। और ये है वर्क करती है इन अकॉर्डिंग विद द हार्मोन। हार्मोन जो है हमें पता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक मैसेंजर का काम करते हैं बॉडी के अंदर, और हार्मोन जो है एक सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और वो ब्लड के द्वारा टारगेट सेल तक पहुंचाए जाते हैं जहां पर वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। डिफरेंट रीजन ऑफ जो नेफ्रॉन है उनमें स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनके पास रिसेप्टर होते हैं जो इन केमिकल मैसेंजर्स को, हार्मोन्स को जो है वो सेंस करते हैं और वर्क करते हैं अकॉर्डिंगली। ये एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है जिसमें दिखाया हुआ है कि कौन कौन से हार्मोन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि आप बहुत कॉमनली जानते हो, इमरजेंसी हार्मोन बोल देते हैं, जो कि एड्रीनल मेडुला के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनका मेन फंक्शन होता है किडनी के फंक्शन को टेम्परेरीली कम कर देते हैं और एक वैसो कंस्ट्रिक्शन की तरह काम करते हैं। आपके जो वर्ड्स आप सुनोगे उनकी एक इमेज आपके माइंड में बननी चाहिए कि वैसो कंस्ट्रिक्शन की ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई है, उसके अंदर जो फ्लो है वो अब किस तरह के प्रेशर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शनिंग को कम कर देता है क्योंकि फ्लो को वो कम कर देता है। रेनिन है जो कि किडनी नेफ्रॉन्स के द्वारा जो है रिलीज किए जाते हैं और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बाय एक्टिंग ऑन एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिन जो है लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और एंजियोटेंसिन 1 है 2 है, ये मल्टीपल प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर को ये भी बढ़ाते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये सोडियम और वाटर के लोस को रोकते हैं, यानी कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन है जिसको वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें स्टोर होता है। ये वाटर लोस को प्रिवेंट करता है। और एक है एट्रियल यूरेटिक पेप्टाइड जो है, जो कि हार्ट के एट्रियम के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं बाय वैसोडायलेटर। यहाँ पर आप देखें जो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन की बात हम कर रहे थे वो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर थे, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर ये जो हार्मोन है ये जो है ANP ये वैसोडायलेटर है। डायलेटर का मतलब इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्लो और फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। जो है फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी तो क्या है, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। और देखिए जहां पर भी साल्ट की रीअब्सॉर्प्शन है या वाटर की रीअब्सॉर्प्शन है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है कहीं ना कहीं, ठीक। तो अब देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, सबसे पहला एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में हम करेंगे। किडनी जो है वो हमें पता है रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसके वर्क में कि वो करती है कि हाइपोटोनिक जो है यूरिन पास करना है या हाइपरटोनिक, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर इनटेक ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन जो है वो बढ़ जाएगा, वो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हाइपोटोनिक होगी। अगर रिवर्स कंडीशन देखते हैं कि इनटेक जो है बहुत ही कम है तो किडनी जो है वाटर को कंजर्व करना शुरू कर देगी, जिसके कारण जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी वो हाइपोटोनिक हो जाएगी, ठीक है। एक्सेस या डेफिशिएंट ऑफ वाटर इन द बॉडी वो
ओस्मोरिसेप्टर होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, उनके द्वारा सेंस कर लिए जाते हैं बाय टू प्रोसेस। एक, जब एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो पार्ट है, यहाँ पर ब्लड एफरेंट और इफरेंट आर्टरी जो है वो एंटर करती हैं और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उसकी वॉल्यूम कैसी है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगी। और नेफ्रिक फिल्टर जो है, अब ज़्यादा फिल्टर बनेगा, वो फिल्टर इस ग्लोमुलर कैपिलरी बोमेन कैप्सूल से होता हुआ ये इन ट्यूबुलर पार्ट से होकर गुजरेगा। तो किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होनी है, किस चीज़ की एक्सक्रीशन होनी है, वो वेरी कर जाता है। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो प्रोक्सीमल पार्ट रहता है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, चाहे वो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, वाटर, ठीक है। अब आप देखेंगे वाटर की यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और यहाँ पर जो कलेक्टिंग पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट्स है, उनमें ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सोडियम की री। अब यहाँ पर अगर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो वाटर भी जो है वो, उसकी भी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और मोर और मोर यूरिन जो है पास होगा जिसमें सोडियम भी पास आउट होंगे। और सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है या जो सिक्रीशन है वो पोटाशियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन और उसको जो है वो कम और ज़्यादा कर लेती है। तो पहला पार्ट है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना, फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन होना, ठीक है, और फिर है सिक्रीशन है, पोटाशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, और फिर आती है कंसेंट्रेशन की, यूरिन कैसा है, डाइल्यूटेड है या कंसेंट्रेटेड यूरिन है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक यूरिन है। ये वेरी करते हैं हार्मोन के कारण, और वो हार्मोन को जो डिटेक्ट करते हैं ऑस्मोरिसेप्टर, वो डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम क्या है। इफ फ्लूइड वाटर का जो बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर कम होगा, हाइपरटोनिसिटी होगी, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी होगी, तो क्या होगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। इसमें डीटीसी जो है उनकी परमेबिलिटी जो है वो हार्मोनल कंट्रोल रहती है, कि पानी को कंजर्व करना है तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी, पानी कम से कम जो है वो एक्सक्रीट होगा, ठीक है। एंटी डायुरेटिक हार्मोन जो है एडीएच, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं, ये बॉडी के वाटर को कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, ये बॉडी वॉल्यूम को प्रिजर्व करते रहें ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम रहे। इट इज फॉर्म बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है, एंड इज स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा उसको रिलीज और स्टोर किया जाता है, और जब एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर तो उस समय ये रिलीज कर दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि पानी की कमी हो गई है, जितना ज़्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा जो है कंसंट्रेटेड यूरिन जो है पास आउट होगा, और रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इट मीन वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है वेसल, प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है, तो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आप ये देखिए, अगर पानी की अमाउंट ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगी, और पानी की अमाउंट कम होगी तो फिल्ट्रेशन कम होगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये स्मॉल वॉल्यूम ऑफ साल्ट ईटन और मच स्वेटिंग हो जाती है, तो वाटर कंट्रोल करना होता है, ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो लो हो जाती है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो एडीएच को सिक्रीट करते हैं, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है, और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो पास आउट होता है। जैसे ये करते हैं ब्लड की वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, और ये फिर से वही ब्रेन के पास मैसेज चला जाता है कि अब जो है वाटर बढ़ चुका है, तो अब रिवर्स रिएक्शन जो है होनी शुरू हो जाती है, कि पानी को अब कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, अब पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब कम कर दो, और फिर से डाइल्यूट यूरिन सिक्रीट हो जाता है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो हमने बताया एड्रिनल मेडुला
और नर्वस सिस्टम द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं, और इनको फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं कि लड़ो या मरो। ठीक है, तो व्हेन बॉडी अंडर बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन में रहती है, उस समय किडनी का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है या हाल्ट हो जाता है टेम्परेरली। हार्मोन फंक्शन जो है वो स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल है उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं। वंस एफरेंट आर्टेरियोल जब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो इनटू द नेफ्रोन जो है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। दिस हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि सेकेंड हार्मोन है जो ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, जिसको रास RAAS के नाम से हम कॉमनली जानते हैं, ये सिस्टम जो होता है ये कई स्टेप में होता है, जब जाकर जो है एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रिलीज होता है, जो कि वास्तव में ब्लड प्रेशर को और वॉल्यूम को स्टेबलाइज करता है। रेनिन जो है जस्टाग्लूमेरुलर, ये आप देखेंगे ये बोमेन कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट है, यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच में जहाँ जंक्शन बनता है जिसको जस्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, यहाँ पर ग्रेनुलर सेल प्रेजेंट होते हैं, वो जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स के हैं वो जो है वो रेनिन सिक्रीट करते हैं। किडनी का जो फंक्शन होता है वो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। रेनिन जो है वो क्या रिलीज हुआ बाय द ग्लैनुलर सेल ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल एट जस्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स पार्ट पर, और ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म में है, और जैसे ही रेनिन की प्रोडक्शन होती है वो उसको एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देता है, और वो एंजियोटेंसिनोजन 1 है वो एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 को, फिर एड्रिनल ग्लैंड, एल्डोस्टेरोन, इस तरह से पूरे सिस्टम को वो कंट्रोल करते हैं। आप देखेंगे इस तरह से अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको ACE बोलते हैं वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स। अब जैसे ही ये करते हैं इसके साथ साथ ये ट्रिगर कर देता है एल्डोस्टिरोन के रिलीज को, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड है उसका कॉर्टेक्स रीजन के द्वारा, ये मिनरलोकॉर्टिकोइड होता है एक, और वो फर्दर जो है रीनल टिब्यूल को एक्टिवेट कर देता है कि तुम रीअब्जॉर्ब करो मोर सोडियम को। अब एंजियोटेंसिन जो है ये उसी समय जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन को भी ट्रिगर कर देता है, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और वो कहता है कि तुम वाटर की रिटेंशन में हेल्प करो, यहाँ पर सोडियम की जो है उसको कंजर्व करो, और यहाँ पर जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ाओ, और ये डायरेक्टली नेफ्रोन के ऊपर एक्ट करते हैं, और जिसके कारण जो ये ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। मेडिकली जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय ड्रग्स दैट इनहिबिट ये जो है ऐसी ही इनहिबिटर भी कहते हैं इनको। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को कंट्रोल करती है ड्रग्स, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये एक सिस्टम जो है आप देखें स्टेप वाइज जो है, जैसे ही ब्लड में जो है वॉल्यूम बढ़ी, रेनिन प्रोड्यूस हुआ, एंजियोटेंसिन 1 2, एड्रीनल ग्लैंड, एल्डोस्टेरोन, इन्होंने फर्दर अटैक किया, और फिर से ये वापस इस साइकिल में ये मूव करते रहते हैं।
और कंट्रोल कर लेते हैं। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और वॉल्यूम को बढ़ा देता है। मिनरेनो कॉर्टिकल जो कि हार्मोन हमने बताया एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो ऑस्मेटिक बैलेंस को अफेक्ट करता है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन जो है हमने देखा सोडियम लेवल को रेगुलेट करता है। जितना भी जो सोडियम है ब्लड के अंदर वो रिक्लेम कर लिया जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो जितने भी सोडियम है उनको रीअब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अब देखो सोडियम जितना रीअब्सॉर्ब होगा तो वाटर को उसको फॉलो करता है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो सिर्फ सोडियम लेवल को ही मैनेज नहीं करता है, वो वाटर लेवल बॉडी फ्लूइड को भी वो मेंटेन करता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो है वो पोटाशियम सिक्रीशन, हमने बताया था कि खाली सोडियम का और वाटर का कनेक्शन नहीं है, वो कैल्शियम जो पोटाशियम है उसको भी स्टिमुलेट कर देता है सिक्रीशन के कारण। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन जो है रेनिन एंजाइम उसको एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 और ये AT रिसेप्टर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर हैं जो कि एल्डोस्टेरोन की वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है और वैसो कंस्ट्रिक्शन से वॉल्यूम बढ़ जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। जैसे हमने देखा एल्डोस्टेरोन है ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था, ये कम करता है, तो ये उससे ऑपोजिट वर्क कर रहा है। तो ये वैसो डायलेटर की तरह काम करता है कि ये वॉल्यूम जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, जिसके कारण वही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये एट्रियम के सेल जो हार्ट का एट्रियम है उसके सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है जब भी बॉडी का प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। ANP जो होते हैं वो सॉल्ट को अफेक्ट करते हैं उसके रिलीज को, क्योंकि वाटर जो है पैसिवली फॉलो करेगा, अगर सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ रही है तो वाटर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मेंटेन करना है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना है, तो ये डाईयूरेटिक इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होने लगता है। ANP जो है वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को रोकता है रीनल ट्यूब्यूल में, जिसके कारण क्या होगा वाटर की रीअब्सॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, और वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम होगी तो क्या होगा यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, डायूरेटिक कंडीशन हो जाएगी और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये एक्शन जो है सुप्रेस द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, और रेनिन है, जो रेनिन है वो भी ADH को प्रमोट करता है रिलीज करने में। तो ADH रास ANP रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, और ये एक फीडबैक मैकेनिज्म रहता है जो कि ऑस्मोलैरिटी को, साल्ट कंसंट्रेशन को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, होम्योस्टेसिक कंडीशन जो है मेंटेन करके रखते हैं। कोई चीज आपने देखा कि एंडोस्टिरो जो ADH हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो ब्लड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को कम करता है। ठीक है, कम करेगा तो क्या होगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ा देगा तो क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो जैसे ही यूरिन फॉर्मेशन कम होगी ब्लड की वॉल्यूम जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, सेकेंड हार्मोन जो है वर्क करना शुरू कर देगा, वो उसको फिर से ओपोजिट कंडीशन में ले आएगा। तो ये डिफरेंट रीजन है जो ANP जो है वो डायलेट कर रहा है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो गई और इसको बोलते हैं डाईयूरेसिस। और ANP जो है वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है उनको रोक रहा है, जिसके कारण ब्लड के वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कम हो रही है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं और इसको बोलते हैं न्यूट्रेसिस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ वाटर और सोडियम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है वो
लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट वर्किंग जो है वो हार्मोन जो है एक दूसरे के को फीडबैक देते हैं। एक की अमाउंट बढ़ने से दूसरे की अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाती है, दूसरे की डिक्रीज होने से पहले की जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक होम्योस्टेटिक कंडीशन जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो इसके साथ ये था सिंपल कैसे कंट्रोल होता है, कैसे हार्मोनल कंट्रोल करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में, चाहे वो ब्लड की वॉल्यूम का देखा कि कितना इंटेक ऑफ वाटर हो रहा है तो वो उसी हिसाब से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कम और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन बहुत ही कंपल्सरी होते हैं टू वर्क द फंक्शन एफिशिएंटली। तो इसके साथ थैंक यू।